नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बायोलॉजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आज आपकी है 27 अगस्त 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अपडेट, यूपी में शिक्षकों की जो भर्ती का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। नई दिल्ली से न्यूज है जिसमें बताया गया, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक जो शिक्षक की नियुक्ति है उसमें आरक्षण जो नियम है उनका पालन नहीं करने संबंधी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसके तहत 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नई मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर के आदेश दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के द्वारा 13 अगस्त को आदेश पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ सामान्य वर्ग के जो चयनित उम्मीदवार हैं उनके द्वारा चुनौती दी गई है। तो ये जो दायर किया गया है वो अनरिजर्व कैटेगरी के जो बाहर हो रहे हैं उनके द्वारा ये चुनौती दी गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी थी, ये इनके द्वारा कहा गया है। साथ ही साथ फैसला रद्द करने की मांग को लेकर के भी यहाँ पर बात की गई है। याचिका में हाईकोर्ट का फैसला रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया है कि यदि शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट फिर तैयार हुई तो सामान्य वर्ग के हजारों अभ्यर्थी हैं और उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा जो कई सालों से सरकार के द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के आधार पर बतौर शिक्षक सेवा कर रहे हैं। उसके अलावा इससे पहले ही जो आरक्षित वर्ग हैं उनके द्वारा कैविएट ऑलरेडी दाखिल कर दिया गया था कि अगर इस प्रकार की कोई याचिका दाखिल होती है जो कि अब हुई है तो इससे संबंधित सुनवाई से पहले जो आरक्षित वर्ग है उनकी बातों को भी सुना जाए। मतलब इससे पहले ना कह के आप कह सकते हैं कोई भी फैसला देने से पहले उनकी बातों को भी सुना जाए। आगे बात करते हैं, आयोग को मिली APO PCS J के रिक्त पदों की जानकारी। लोक सेवा आयोग को सहायक अभियोजन अधिकारी यानी APO, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन, इनके रिक्त पदों की जानकारी अधियाचन मिली है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की लेकर के बात की जा रही है। ये सूचना आयोग के अनुभाग अधिकारी जन सूचना अधिकारी ने एक अभ्यर्थी को RTI के माध्यम से ये सूचना जो है वो दी है। एक अभ्यर्थी की ओर से आयोग से जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इन दोनों भर्तियों के बारे में जानकारी मांगी गई थी जिसके जवाब में आयोग के अनुभाग अधिकारी जन सूचना अधिकारी ने लिखा कि दोनों जो भर्ती हैं उनके लिए शासन विभाग से अध्याचन रिक्त पदों की जानकारी आयोग को मिली है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि रिक्त पदों की संख्या कितनी है। ये भी कहा गया है कि रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार तैयार न होने के कारण इस संबंध में जानकारी दे पाना अभी संभव नहीं है। RTI के तहत ये भी बताया गया है कि अध्याचन में कुछ विसंगतियां मिली हैं और इन विसंगतियों के संदर्भ में शासन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के उपरांत ही आयोग की ओर से इन दोनों भर्तियों का विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा। बाकी सभी सूचनाएं को लेकर के आगे भी लिखा है कि RTI के जरिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह जो है वो दी गई है। अगली अपडेट, 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 2 सितंबर को घेरेंगे मुख्यमंत्री आवास। इको गार्डन में धरना देते आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, यहाँ पर लखनऊ से न्यूज है जिसमें बताया गया 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इन अभ्यर्थियों ने अब 2 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने और महाधरने का आह्वान किया है। OBC और SC अभ्यर्थियों की मांग यह है कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करे और इसके तहत सरकार को भर्ती की नई चयन सूची जारी करनी है, मगर अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई है। इससे धरनारत जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनमें बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति भारी आक्रोश है। बाकी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर सभी के नाम है और इको गार्डन में उनका धरना लगातार चल रहा है। अगली अपडेट, साक्षात्कार पूरा, शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति किसी भी दंड। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति 1-2 दिन में हो सकती है। इसके लिए रविवार को साक्षात्कार की प्रक्रिया शासन में पूरी की हो गई है। साक्षात्कार के लिए 18 लोगों को बुलाया गया था जिसमें से 14 सम्मिलित हुए हैं और आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद पुरानी भर्तियों के लंबित साक्षात्कार, लंबित परीक्षार्थी, लंबित परीक्षाओं और नई भर्ती को लेकर के निर्णय वगैरह लिए जाएंगे। सभी सृजित 12 पदों पर सदस्यों की तैनाती 14 मार्च को जो है वो होगी। बाकी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग विधेयक 2023 का प्रकाशन 21 अगस्त 2023 को हुआ, तो मतलब जो पहले के अलग अलग नोटिफिकेशन है ना उनकी भी बात यहाँ पर जो है वो की गई।
अगली अपडेट और इस वीडियो की लास्ट अपडेट, नियमावली के इंतजार में राजकीय कॉलेजों में अटकी 3 बड़ी भर्तियां। यहां पर 1000 से अधिक पदों का अध्याचन अध्याचन ना कह के अधिक पदों को भेज चुका है अध्याचन। हाँ ठीक है, अध्याचन ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रयोगशाला सहायक और पुस्तकालय अध्यक्ष जो पद हैं इन पर भर्ती होनी है और इन्हीं को लेकर के बताया गया। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न कमेंट पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े भारत सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।